वेलकम बैक टू एक्स आइडिया, जहाँ पे हम आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के बिजनेस आइडिया के बारे में। वीडियो से रिलेटेड सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है change.org। अब यार .org को देख के सबको ये लगता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि .org डोमेन को ओन करती है, जो कि एक तरीके से लोगों को मिसलीड करता है। जिसके जवाब में इनका कहना है कि यार ये .org डोमेन इसलिए ओन करते हैं क्योंकि ये अपनी कमाई का सारा हिस्सा लोगों के लिए वापस लगा देते हैं। वापस बिजनेस पे आए तो change.org की शुरुआत बेन रेटरे ने फरवरी 2007 में की थी। change.org ने अभी तक 5 राउंड्स में टोटल $72 मिलियन रेज किए हैं। अब बात करें change.org क्या है, तो change.org एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी सोशल कोज के लिए पेटिशन स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अदर पेटिशंस को साइन करके सपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली change.org पे आप चेंज को सपोर्ट करते हो पेटिशंस के थ्रू। अब यार पेटिशन की पावर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी सोशल कोज के लिए अगर एक बंदा किसी कंपनी को रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है, बट उसी सेम रिक्वेस्ट को 1 लाख 2 लाख लोग सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस रिक्वेस्ट पे फोकस किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो पहले के टाइम पे तो पेटिशंस ऑफलाइन होते थे जिसमें बेसिकली आप जा जाके लोगों से साइन करवाते थे, लेकिन आज के इंटरनेट एज में वो काम change.org के थ्रू होते हैं। यहाँ पर रोज नए नए पेटिशंस क्रिएट होते हैं और विक्ट्री अचीव करते हैं। विक्ट्री का मतलब है कि जिसको वो पेटिशन लिखा गया था उसने उस पर फोकस किया है और उसके रिगार्डिंग एक्शन लिया है। तो अभी तक change.org पे 77,000 से ज़्यादा विक्ट्रीज हो चुकी हैं 196 कंट्रीज में। ऐसी कुछ विक्ट्रीज की बात करें जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है जस्टिस लीग द स्नाइडर कट मूवी का, जिसमें फैंस ने वॉर्नर ब्रोस को पेटिशन लिखा यार वो स्नाइडर कट को रिलीज करें, और उस पेटिशन पे 1.5 लाख से ज़्यादा साइन हुए और उसके बाद वॉर्नर ब्रोस ने स्नाइडर कट रिलीज किया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक पेटिशन में स्टारबक्स से रिक्वेस्ट की गई कि वो एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए प्लास्टिक कप्स का यूज़ कम करे, जिसके बाद 3,40,000 लोगों ने इस पेटिशन पे साइन किया और उसके बाद स्टारबक्स के सीईओ ने $10 मिलियन इन्वेस्ट किए एक फुल्ली रिसाइकेबल कप बनाने में। ऐसी बहुत सी स्टोरीज है change.org पे। change.org के बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं। इनका बिजनेस प्लान सिंपल सा है, ये सीधा सीधा अपने यूजर्स को बोलते हैं कि यार आप हमको पैसे दो ताकि हम change.org को हमेशा फ्री और ओपन रख सकें। तो इसके लिए उन्होंने 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें पहला है बिकम ए मेंबर, जिसमें बेसिकली आप change.org के मेंबर बन सकते हो और मंथली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है, आप अपनी श्रद्धानुसार जितना चाहे दे सकते हो। सेकेंड है प्रमोट द कैंपेन, जब भी आप किसी पेटिशन को सपोर्ट करते हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है प्रमोट दिस कैंपेन, जो कि एक पेड प्रमोशन की तरह है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी पेटिशन में ज़्यादा बिलीव करते हो तो आप उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए change.org को पे करो ताकि इस पेटिशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। अब नंबर्स की बात करें तो 2019 के एंड तक 1,39,000 मेंबर्स थे जो कि मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे थे change.org में। 18 लाख लोगों ने पेटिशंस को प्रमोट किया, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू $40.1 मिलियन था। 2019 में हर महीने 41,000 से ज़्यादा कैंपेन्स लॉन्च हो रहे थे, इनके पास 329 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स थे और 2019 में टोटल 673 मिलियन से ज़्यादा सिग्नेचर्स पेटिशंस पे हुए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी की बात करें तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 463 मिलियन से ज़्यादा इनके पास यूज़र्स हैं, जिसकी वजह से 61.9 मिलियन विजिट्स पर मंथ होती हैं। तो यार ये था change.org के बारे में। जाते जाते मुझे एक चीज़ पूछनी है, क्या लगता है कौन सी डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है, इस डिज़ाइन में change.org को ज़्यादा फ़ायदा होगा? आप अपना आंसर कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।